अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों आज 24 नवंबर है और शहाब भाई को घर से निकले हुए 176 दिन यानी 176 डेज कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसमें बात करेंगे शहाब भाई की उस अपडेट के बारे में जो कि शहाब भाई को सभी भाइयों को इंतजार है, जिस बात का कि शहाब भाई सफर कब शुरू करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर हम उसी अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं कि शहाब भाई की तरफ से कोई अपडेट निकल कर आई है नहीं आई है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर उससे पहले आप यूट्यूब चैनल SS Vlogs 2025 पर नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मेरे दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे कि आप देखते आ रहे हैं और शहाब भाई जब केरला से अपने घर से यानी केरला मल्लमपुरम से निकले हैं, तो मेरे दोस्तों जब से शहाब भाई निकले हैं ना, तब से शहाब भाई के पीछे जैसे शहाब भाई के कदम बढ़ते गए उसी तरह से शहाब भाई के पीछे पीछे काफिला है जो बहुत ही ज्यादा बढ़ते गया। तो मेरे दोस्तों जिस तरह से शहाब भाई राजस्थान में आए ना, तो माशाल्लाह राजस्थान में तो शहाब भाई को बहुत ही पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया गया और साथ ही गुजरात में भी, लेकिन गुजरात से ज्यादा राजस्थान के अंदर शहाब भाई का इस्तकबाल है जो बेहद तरीके से इस्तकबाल किया गया। तो मेरे दोस्तों आखिर बात करते हैं जिस तरह से शहाब भाई 6 राज्यों को निकल करके वाघा बॉर्डर तक पहुंचे हैं अपने नेक्स्ट सफर को लेकर के 3500 किलोमीटर के समथिंग सफर शहाब भाई ने 3 महीने के अंदर तय करके। तो शहाब भाई जब वहां पर पहुंचे तो उसके बाद में यहां पर 1.5 महीने से ज्यादा ही शहाब भाई को खासा गांव के अंदर जो कि वाघा बॉर्डर से 14 किलोमीटर पहले पंजाब राज्य में ही पड़ता है, 14 किलोमीटर पहले ही पड़ता है उसे पंजाब यानी वाघा बॉर्डर से, तो वहां पर शहाब भाई जुनेद साहब के स्कूल में जो कि आफिया किड्स स्कूल है उसी स्कूल के अंदर रुके हुए हैं। सभी भाइयों को पता है, अगर जो भी नहीं हो तो आप देख लीजिए भाई, इंडिया के अंदर ही है, पंजाब राज्य अमृतसर जिला खासा गांव है और एक जुनेद साहब की स्कूल है उसी स्कूल के अंदर शहाब भाई अभी भी रुके हुए हैं। वहां से अभी तक शहाब भाई का सफर है जो शुरू नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्तों आखिर सफर शुरू होने का सभी को इंतजार है। तो मैं आपको बता दूं जो शहाब भाई की तरफ से माशाल्लाह बेहद तरीके से अच्छे अच्छे अपडेट से जो निकल कर सामने आ रही है शहाब भाई की तरफ से नहीं, बल्कि जो शहाब भाई के प्रोसेस में जो भी लोग दिल्ली से भी जा रहे हैं जो शहाब भाई के साथ में मतलब हेल्प वगैरह कर रहे हैं कि शहाब भाई का जो रिकमेंडेशन लेटर है जो भी पेपर वर्क चल रहा है इंशाल्लाह फटाक से शुरू हो जाए, बल्कि उस अपडेट्स को लेकर के जो शहाब भाई की तरफ से बताई गई अपडेट है कि भाई शहाब भाई का पेपर वर्क खत्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह पेपर वर्क का सिस्टम जो भी कुछ सिचुएशन है ना, जो भी मतलब रुकावटें हैं, जो भी एक दो बातें मतलब एक भी दो परेशानियां शहाब भाई के सफर में हैं, तो इंशाअल्लाह वे सिचुएशन 1 या 2 दिन के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर खत्म होकर के और आपको इतनी बड़ी खुशी, बेहद खुशी की अपडेट्स आपको 1-2 दिन के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह हो सकता है आ सकती है कि सामने शहाब भाई अपने सफर को जो कि शुरू कर सकते हैं पाकिस्तान वाघा बॉर्डर की तरफ। यानी जैसे कि आपको पता है शहाब भाई वाघा बॉर्डर से ही एंट्री करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। मेरे दोस्तों अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से शहाब भाई बहुत ही जल्द पाकिस्तान के अंदर सफर है जो करने वाले हैं। बाकी मेरे दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताए थे कि जो मैंने मतलब जो मेरा रिकमेंडेशन लेटर नहीं बल्कि सॉरी जो मेरा यानी वीजा पासपोर्ट वीजा वगैरह का काम चल रहा है, तो इंशाअल्लाह उस पासपोर्ट वीजे का प्रोसेस में मुझे 8 तारीख को पोस्ट ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहां पर इंशाल्लाह फोटो वगैरह होगा। तो मेरे दोस्तों उसमें आप दुआएं कीजिए कि मैं भी इंशाल्लाह जहां पर मैं आपको एक पोस्ट डालूंगा, एक वीडियो बना करके डालूंगा कि जहां पर आप लोगों के ज्यादा कमेंट्स आएंगे इंशाअल्लाह हम वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। और जहां पर मैं इसीलिए मैंने आपके लिए पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो बन रहे हैं, तो जहां के आप लोगों के कमेंट्स आएंगे इंशाअल्लाह वहां पर हम जाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बस कमेंट्स करने हैं कि हमको किस जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों ज्यादा तो सऊदी अरब में यानी मक्का मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा तो सलाह वहीं पर है कि वहां पर उमरा भी हो जाएगा और वहां पर इंशाअल्लाह जहां पर भी इस्लामिक जगह घूमने की जहां पर अल्लाह के रसूल गए थे उन जगहों को इंशाल्लाह कवर करने की हम कोशिश करेंगे, साथ ही उनकी वीडियोस बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। उनकी वीडियो द्वारा मोबाइल द्वारा आप ज्यारत कर सकते हैं और साथ ही इंशाल्लाह जो भी इसको देखने वाले हैं, हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला सभी को मक्का मदीना दिखाने की तौफीक अता फरमाए, सभी को हज यानी हज करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों आज के अपडेट्स में आपने सुन लिया कि भाई शहाब भाई का आखिर वीजा का अपडेट है वो अभी इंशाअल्लाह जो भी प्रोसेस है पेपर वर्क चल रहा है शहाब भाई की तरफ से। देखिए दोस्तों
शाहब भाई की तरफ से तो बता दिया है कि भाई पेपर वर्क फिनिश हो चुका है, लेकिन अब इसमें हम क्या ही बता सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि भाई शाहब भाई का प्रोसेस है जो पेपर वर्क चल रहा है, इसमें तो हम कह भी नहीं सकते क्योंकि शाहब भाई ने खुद अपने चैनल्स पर आकर के ये बता दिया है कि भाई जो पेपर वर्क था वो फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो मेरे दोस्तों बस आज के अपडेट्स में इतना ही है कि शाहब भाई जैसे यहां से सफर शुरू करेंगे, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर जैसे ही यहां से सफर शुरू होगा, इंशाअल्लाह सबसे पहले आपको SS Vlogs 2025 YouTube चैनल पर शाहब भाई की वो अपडेट्स देखने को मिलेगी, और साथ ही उस वीडियो को भी इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे, और सबसे पहले इसी चैनल पर आपको इंशाअल्लाह वो वीडियो देखने को मिलेगी जहां पर शाह भाई पाकिस्तान के अंदर बाबी आजादी गेट से यानी दो दो कंट्रियों के वाघा बॉर्डर से जब शाह भाई एंटर होंगे पाकिस्तान के अंदर, उस वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और इस वीडियो का है ना आपको लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है जो मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपको एक अच्छा सा कमेंट्स करना है, और यह भी करना है कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख पा रहे हो। तो मेरे दोस्तों जैसे ही शाह भाई का यहां से सफर होगा इंशाल्लाह हम आपको बता ही देंगे, और दोस्तों बस आज के अपडेट्स में इतना ही है क्योंकि ज्यादा कुछ बातें करने का कोई वो भी नहीं है, और काफी सारे भाई जब भी ये कहते हैं कि भाई शाहब भाई के यार आजकल या कल परसों दो तीन दिन ही शाहब भाई के जो है 1.5 महीने से खत्म नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों बस आप लोगों की बार बार हर वीडियो में आप लोगों से जो भी देखने वाले वो दुआ की गुजारिश की जाती है कि आप लोग बस दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द सफर है जो शुरू होने वाला है। आज के अपडेट्स में इतना ही है, मिलते हैं शाहब भाई की न्यू अपडेट के साथ में, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।